तो हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने रेक्टेंगुलर पार्ट पढ़ा, फिर स्मॉल सेगमेंटल पार्ट पढ़ लिया, फिर सेमी सर्कुलर और सेगमेंटल, सारे ओपनिंग के कारण डिडक्शन होने वाले आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं, जनरल बात करते हैं कि किसी ब्रिक वर्क में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए कि कितना कितना डिडक्शन हम उसमें करते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको कि डिडक्शन हम कितना कितना करते हैं, तो देखेंगे ध्यान से। ओपनिंग का एरिया जो पहले आपको मैंने क्या बताया कि अब आपको मैं एक जनरल बातें का डिस्कशन करने जा रहा हूं कि जब किसी दीवार को ब्रेक वर्क किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप की ओपनिंग बनाई जाती है। अगर किसी दीवार में जो कि हमारी ईंट चिनाई की हो या पत्थर की चिनाई की बनाई गई है और उसमें डिफरेंट टाइप की ओपनिंग्स बनाई गई है, तो ओपनिंग हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी दीवार में कोई ओपनिंग ऐसी है जिसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो उसका डिडक्शन आप नहीं करेंगे। तो मैंने लिखा कि यदि ओपनिंग का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो डिडक्शन नहीं करेंगे, नो डिडक्शन। जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग है मान लीजिए किसी दीवार में खिड़की हो सकती है, वेंटिलेटर हो सकता है, ठीक है, या कोई एक होल बना दिया गया दीवार में, ठीक है, तो उस कंडीशन में एल इनटू एच करिए या उसका एरिया निकालिए। अगर वो कर्व बेड है, कर्वीलिनियर पोर्शन में है, तो उसका एरिया निकालिए। अगर वो एरिया आपका 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो उस कंडीशन में ब्रिक वर्क में डिडक्शन नहीं करेंगे, मतलब क्वांटिटी पूरी पूरी बताई जाएगी ब्रिक वर्क की, चाहे उसमें बेसिक ओपनिंग में आपने ब्रिक वर्क नहीं किया है फिर भी हम उसको कंसिडर करते हैं, मतलब डिडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा, यदि किसी दीवार में एंड ऑफ बीम, यानी बीम का जो एंड होता है, एंड ऑफ बीम या पोस्ट या राफ्टर, राफ्टर सुनते हैं आप जो ट्रस चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्रिंसिपल राफ्टर, कॉमन राफ्टर करके आती है, तो राफ्टर भी एक बीम ही है। तो एंड ऑफ बीम पोस्ट राफ्टर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 70.5 इंच स्क्वायर हो, तब उस केस में भी बेटा हम नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन हम नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो ऐसे मान लीजिए ये मैंने मेरा ये हाथ जो है वो आप समझ लीजिए, ये हाथ हमारा जो है वो एक दीवार है और ये बीम है और ये बीम आके इस दीवार में टिकनी है, ऐसे मुझे टिकाना है इसको या इसके अंदर ऐसे में टिका दिया। तो जब हम दीवार में इसको टिकाएंगे, दीवार पर बियरिंग देंगे, तो दीवार में जहां बीम का एंड जाएगा, जहां बीम का एंड जहां दीवार में होगा तो वहां ब्रेक वर्क तो नहीं होगा, मतलब एंड ऑफ बीम अगर दीवार पर बीम टिकाई जा रही है तो उस कंडीशन में जहां बीम है वहां ब्रेक वर्क नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये देखा जाएगा पहले। तो आप कहेंगे सर ब्रेक वर्क है नहीं तो हमें डिडक्शन करना चाहिए, हाँ करेंगे, लेकिन कब, अगर बीम का एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया, पोस्ट का राफ्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, 70.5 मीटर स्क्वायर तक है, तब तक आप कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो आप रिडक्शन करेंगे। ये तीसरा पॉइंट था, ये थर्ड सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें और क्या जान सकते हैं इसके बारे में हम, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क में अगर हमारी कोई स्लैब, कोई हमारी छत हमने डाली और छत को हमें दीवार पर लाकर टिकाना है और उसके बाद फिर दोबारा साइड से हमें ब्रेक मेजर भी करते हुए जाना है, मैं ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक दीवार है ये और इस दीवार पर हमने यहाँ यहाँ हमने स्लैब को बनाया हुआ है, ऐसे ये हमने स्लैब बनाई है, ये देखिए जरा ये हमारी स्लैब है, कॉन्क्रीट है और ये हमारी ब्रेक है, ये हमारी क्या है ब्रेक। तो इस तरह से मैंने दो दीवारों पर ऐसे मैंने स्लैब बनाई है और इस स्लैब जो है ऐसे दीवार पर कुछ बियरिंग है, बियरिंग का मतलब है चढ़ाव होना। तो दीवार जहां ब्रिक वर्क किया गया है उस पर स्लैब आ चुकी है और उसने वहां पर वो टिकी हुई है, उसको बियरिंग मिली हुई है, उसके ऊपर है दीवार के ऊपर वो है, तो उस कंडीशन में जहां स्लैब है वहां ब्रिक वर्क नहीं है, जहां उसकी बियरिंग है स्लैब की वहां ब्रिक वर्क नहीं है, तो आप कहीं सर कितना रिडक्शन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है बियरिंग ऑफ स्लैब या फ्लोर स्लैब, और फ्लोर स्लैब ऐसा फर्श पर हो सकता है कभी, फ्लोर स्लैब के कारण हम क्या करेंगे कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, मतलब इस केस में भी हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, नो डिडक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पर बात कर रहा हूं। आप कहेंगे सर
हमारा जो ये छज्जा होता है, जैसे आप खिड़की लगाते हैं खिड़की, तो खिड़की के ऊपर भी आप एक छज्जा बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास की कोई वॉल है, ये हमारे पास कोई दीवार है और इस दीवार पर आपने खिड़की लगाई हुई है, यहाँ पर आपके मैं एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, और उस खिड़की के ऊपर आपने ऐसे एक छज्जा बनाया हुआ है, इस तरीके का छज्जा आपने बनाया, और छज्जे की दीवार में बियरिंग है, थोड़े से एरिया में उसकी बियरिंग आपको दी गई है, यानी कि कॉन्क्रीटिंग की गई है। अब जहाँ छज्जा है, बियरिंग है, वहां आपकी ब्रिक वर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना छज्जा के बियरिंग के कारण भी, और छज्जे की थिकनेस हमारी 10 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉल प्लेट या बेड प्लेट, बेड प्लेट और छज्जा, छज्जा जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से अधिक ना हो तब हम क्या करेंगे, नो डिडक्शन। इस केस में भी हम क्या करेंगे, कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर एक और पॉइंट है, जैसे कि लिंटल है, आप कहेंगे सर के जो खिड़की के ऊपर जो हम लिंटल डालते हैं उसका क्या करना है, उसका डिडक्शन करते हैं, तो लिंटल के कारण डिडक्शन किया जाएगा। अब आप अगले जो कुछ हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम ये पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ आर्च कैसे पता करते हैं, ये आर्च में तो ब्रिक वर्क किया है, स्टोन वर्क भी किया हो सकता है, तो उसकी क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, और अभी मैं जिक्र कर रहा था लिंटल का, और अगर लिंटल है किसी ओपनिंग के ऊपर तो उसका डिडक्शन कितना करना है और उसकी क्वालिटी कैसे पता करनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो आप अपने हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने चैनल से वीडियोज जितने भी आप अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से उसमें सहयोग कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।